हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी। दाल मखनी के लिए मैंने ये काले उड़द की दाल ली है और ये है राजमा, जिसको मैंने 6 से 8 घंटे तक भिगो लिया है। भिगो के मैंने अभी इनसे अच्छे से वॉश कर लिया। अब इसे हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ये है फूल चक्री, ये है दालचीनी, लौंग, ये है मरी और ये है एक इलायची का टुकड़ा। अब इसमें हम 1 से 1.5 कप पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा नमक। अब इसे प्रेशर कुकर लगा के 3 से 4 सीटी आने तक इसे पकाएंगे। ये मैंने 2 टमाटर लिए हैं, उसे अच्छे से मैंने 2 बड़े वाले टमाटर लिए थे उसे मैंने ग्रेट कर लिया है और ये एक छोटा सा प्याज है उसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। देखो ये अब हमारी दाल पक गई है, अभी हम इसे थोड़ा मिक्स कर ले। अच्छे से मिक्स कर लिए है दाल को, अभी हम तड़का बनाने की तैयारी करेंगे। तो हम एक पैन लगे उसमें डालेंगे बटर, थोड़ा सा तेल ताकि बटर जल ना जाए। अब हम इसमें डालेंगे जीरा, थोड़ी सी हींग और एक तेज पत्ता। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चॉप किया हुआ अनियन। अब इसमें डालेंगे अदरक, मिर्ची और लहसुन का पेस्ट। अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। अब इसमें डालेंगे हम लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर। अब हम सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक प्यूरी के, जो हमने ग्रेवी बनाई है ना, तड़का बनाया है ना, उसके अनुसार। और फिर क्योंकि हमने पहले दाल में नमक डाला हुआ है, इसके लिए हमें अभी जो हमने तड़का बनाया है उसके अनुसार ही नमक डालना है। ये हमारा तड़का बनके रेडी है। अब इसमें डालेंगे हम दाल। अब हम सब चीजों को अच्छे से मिलाएंगे और थोड़ा सा पानी भी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अब इसमें हम मिलाएंगे 2 बड़े चम्मच क्रीम, इसे भी हम मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। अब तो एक मिनट के लिए इसे पकने देंगे। अब इसमें जाएगी कसूरी मेथी। ये हमारी दाल मखनी बनके तैयार है। इसे हम बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अच्छे से गार्निश करेंगे। बटर और धनिया से गार्निश कर लेंगे। ये हमारी दाल मखनी बनके तैयार है। इसे हम रोटी, चावल या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।